आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। ब्लॉक प्रमुख संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष और द्वारीखाल ब्लॉक के प्रमुख महेंद्र राणा कोरोना महामारी के संकट काल में दवाई राशन और अन्य किस्म की दिक्कतों से जूझ रहे द्वारीखाल ब्लॉक के गांव-गांव और घर घर जाकर ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर, दवाओं, राशन आदि बांटकर कोरोना महामारी के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। इस काम में उनके साथ ब्लॉक के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, आशा कार्यकर्ती बहने, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने भी लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। कोरोना से जहां लोगों की मौत हुई, वहीं इससे लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी काफी फर्क पड़ा है। कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभाव रोज कमाकर खाने वाले लोगों पर डाला है। दूसरी ओर पर्यटन इलाकों में भी कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिला है। यही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां सैलानी न आने के कारण यहां का कारोबार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य के होटल मालिकों, सड़क किनारे के ढाबों, यात्राओं पर ले जाने वाले संचालकों और क्षेत्र के जुड़े अन्य लोगों की उम्मीदें राहत पैकेज से जुड़ी हुई है। रिपीट। हरिद्वार रोशनाबाद स्थित SSP कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर SSP कार्यालय रोशनाबाद में वृक्षारोपण के समय SSP हरिद्वार, CO सदर, SP क्राइम, CO सिटी के साथ अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैतनी लबुदई कृष्णराज S ने बताया कि हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से पर्यावरण पर एक खतरा मंडरा रहा है, उसे एक छोटे से संकल्प से बचाया जा सकता है। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाए तो उससे पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर तमाम सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहर में जगह जगह पौधारोपण किया। अपने संदेश में सभी प्रतिनिधियों ने मनुष्य जीवन बचाने के लिए एक पौधा जरूर लगाने की अपील की। सबसे पहले शहर की प्रथम नागरिक नगर निगम के महापौर अनिता गमगई ने हरिद्वार रोड और बस स्टैंड रोड पर पौधारोपण किया। इस दौरान अपने कर्मचारियों को उन्होंने पौधों का ख्याल रखने के निर्देश भी दिए हैं। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिलों के इंजन बरामद हुए हैं। पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ बिजनौर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉली रेंज वन विभाग के परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने भी शिरकत की। वहीं डॉली रेंज के रेंजर अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में लोगों को पर्यावरण संरक्षित रखने की सीख मिली है और लोगों को एहसास भी हुआ है कि जब पर्यावरण बचेगा तभी जिंदगी बचेगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को 11-11 पौधे भी दिए गए हैं। पिरान कलियर नगर पंचायत के वार्ड 9 और 2 में आबादी से होकर गुजर रही मिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों को स्थानीय लोगों ने रोक दिया। इन ओवरलोड वाहनों के चलते सड़कों में कीचड़ और गड्ढे हो रहे हैं, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी देर तक स्थानीय लोगों ने मिट्टी से भरे वाहनों को नहीं जाने दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इन घोषणाओं को लेकर वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने जानकारी दी है कि अब सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले विभाग, जिले और अन्य लोगों को सम्मानित करेगी। उत्तराखंड GDP की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए GP से आंकलन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार एक साल में उन सभी तालाब, झील और जलाशयों को पुनर्जीवित करेगी जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। साथ ही प्रदेश में सभी विभाग अपने बजट में एक मद जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए रखेंगे। इसके लिए सभी सचिव, व्योर, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।